हाय गाइस, ड्रीम एंड बिल्ड की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित मलिक और इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इस चैनल पे किस तरह कंटेंट डलने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार एजेंडा डिफाइन करता हूं। तो एजेंडा पे मैंने रखा है क्या क्या, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस चैनल के थ्रू मैं सॉल्व करने की इच्छा रखता हूँ, किस प्रकार का कंटेंट डालूंगा, टाइप ऑफ कंटेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपकमिंग कंटेंट 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में क्या कंटेंट मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। सो दैट वुड बी एंड विद द एंडिंग नोट। ओके, सो अबाउट मी, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है सुमित मलिक। इससे पहले मैंने पेप कोडिंग नाम की कंपनी फाउंड की थी, जो बाद में सिकोया एंड टाइगर ग्लोबल बैक्ड स्केलर ने एक्वायर किया। अलोंग विद दैट कंपनी वी हैड अ फेयरली गुड यूट्यूब चैनल, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डीएसए कंटेंट ओवर देयर। सो इफ यू चेक आउट दैट डीएसए कंटेंट, द कंटेंट इज स्टिल देयर। सो वी डिफाइन डीएसए इन टर्म्स ऑफ लेवल 1, 2, 3, काफी सारा लीड कोड वहां सॉल्व किया था, तो अभी भी वो कंटेंट रिलेवेंट है। आई थिंक कि समबडी हु फिनिशेस लेवल 1, 2 एंड 3 वुड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी स्किलफुल। सो पेप कोडिंग एंड डीएसए इज व्हाट आई हैव मेजरली डन इन द पास्ट। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो इस नए चैनल ड्रीम एंड बिल के थ्रू मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, जब जब वर्क फ्लो या रोड मैप क्लियर होता है तो उन्हें मालूम है कि कैसे बढ़ना है आगे। फॉर एग्जाम्पल कि डीएसए लीड कोड से सॉल्व करो, बात बन जाएगी। ऊप्स वहां से पढ़ लो, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो। सो व्हेन दे हैव अ रोड मैप दे वुड बी एबल टू डू थिंग्स। डेवलपमेंट में क्या होता है, कोर्स तो बच्चे देख लेते हैं बट प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं बनाते हैं। सो अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स आर वेरी एम्प्टीश, अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स और रिज्यूमेस आर नॉट हैवी इनफ, दे डू नॉट हैव गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। सो मे बी थोड़ा इनर्शिया का प्रॉब्लम रहता है कि इंसान सोच नहीं पाता है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ तो मैं क्या बना पाऊंगा। सो इन डेव व्हाट आई हैव सीन इज बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट से आते हैं कि पहले मैं सीखूंगा और फिर मैं बनाऊंगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डेव के अंदर आपको बनाने की वजह से लर्निंग होती है। यू बिल्ड सो दैट यू कैन लर्न, बिल्ड टू लर्न। सो तो इसके अंदर कुछ वर्च्यूज़ हैं जो लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्च्यू जो इसमें लगती है वो लगती है करेज। क्यों करेज मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू बिल्ड व्हेन यू डू नॉट नो थिंग्स कंप्लीटली। एंड व्हाई इज दिस करेज रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम इस हिम्मत से अगर चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा सा सीख कर कुछ बनाना स्टार्ट कर दोगे, हालांकि तुम्हारी नॉलेज पूरी नहीं है, तुम इंटरव्यू के लिए रेडी भी नहीं हो, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ कुछ रेडी हो गए हो, मिनिमम सीख के बनाना स्टार्ट कर दो। बनाने की वजह से तुम्हारे माइंड के अंदर नॉलेज के आईलैंड्स बनेंगे या डॉट्स बन जाएंगे। करेज के साथ साथ पेशेंस भी लगेगी, क्योंकि आप फंस जाओगे, आपको लगेगा मुझे आता नहीं इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन असली काम ये होगा कि आपको बीच बीच में गूगल करके, चैट जीपीटी से बात करके आगे आगे बढ़ना होगा। तो ये आईलैंड्स बनते चले जाएंगे और साथ में आपका प्रोजेक्ट भी बन रहा है। तो करेज एंड पेशेंस से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे जब हमारी नॉलेज ही कंप्लीट नहीं होगी। इससे ये नॉलेज के आईलैंड्स बन जाएंगे। हमारे दिमाग में पूरी नॉलेज क्लियर नहीं है लेकिन हमें कुछ कुछ मालूम है। अब जब आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, टूटा फूटा कच्चा पक्का, अब आप फॉर्मली किसी रिसोर्स को फॉलो करके अपनी लर्निंग पूरी कर सकते हो, जिससे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और आपके दिमाग में नॉलेज पूरी ज्यादा बनने लगती है। अब आपको ये प्रोजेक्ट दोबारा बनाना चाहिए। मतलब मैं क्या प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ। जब आपको नहीं आता है, डब्ल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डेव की, कि हमारी प्रोफाइल में प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं, तो डेव सीखने का मैं आपको एक अच्छा वर्कफ्लो बताना चाहता हूँ जो मैं इस चैनल के थ्रू बनाने की कोशिश करूंगा। सुनिए दोबारा से क्या है वो वर्कफ्लो। वो वर्कफ्लो ये है कि आपको भी आता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लर्न द लीस्ट लीस्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट बनाना है उसका मैं अलग से बताऊंगा। लर्न द लीस्ट टू स्टार्ट मेकिंग अ प्रोजेक्ट, लीस्ट नॉलेज दैट इज इनफ टू स्टार्ट मेकिंग अ प्रोजेक्ट, एंड नाउ स्टार्ट मेकिंग दैट प्रोजेक्ट। अब फंसोगे, फंसोगे तो हमको गूगल यूज करना है,
यूट्यूब यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करना है, छोटी छोटी फीचर्स आएंगे, उन फीचर्स में आप फंसते जाओगे, गूगल करो, यूट्यूब करो, चैट जीपीटी करो, बर बनाते जाओ, इससे दिमाग में प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है और डॉट्स बन रहे हैं नॉलेज के, कुछ भी पक्के से आपको आता नहीं है, कच्चा पक्का आ रहा है। अब ये बन गया है, अब एक फॉर्मल रिसोर्स को फॉलो करो, फॉर्मल रिसोर्स जो आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज दे दे, आपके ये डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये किया था, वो इसका कारण ये था, ये किया था इसका कारण ये था, सो यू नो मोर कम्प्लीटली। नाउ री अटेम्प्ट दैट प्रोजेक्ट। अब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपने लीस्ट नॉलेज से जब स्टार्ट किया था तब पैदा हुई थी बनाते हुए, आपके पास थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई है जो आपने फॉर्मल रिसोर्स को फॉलो किया तब बन गई। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप पढ़े लिखों की तरह प्रोजेक्ट बनाओगे, आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा कंप्लीट होगा, आपकी प्रोफाइल में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि प्रोफाइल भारी हो सके, प्रोफाइलों में अच्छे प्रोजेक्ट आ सके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आइडिया प्रोजेक्ट का हम कहाँ से उठा सकते हैं, तो इसके बारे में मतलब ऐसा है कि जैसे आप इंक 42 या योर स्टोरी को फॉलो करो, या एक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, तो इनको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर अक्सर ऐसा आता रहता है कि इस कंपनी की फंडिंग कल हुई है, इस कंपनी की फंडिंग कल हुई है, तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ जैसे अभी रिसेशन चल रहा है तो कहाँ से हम जॉब अपने लिए निकाल सकते हैं, जिस कंपनी की आज फंडिंग हुई है कल वो हायरिंग करेगी, ठीक है। इंक 42 योर स्टोरी इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ पे आपको पता लग जाएगा ये कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, व्हाट डू दे डू, फाउंडर कौन है, और पैसा रेज किया है वो तो आपको पता लग ही जाएगा इनकी कि अभी उन्होंने पैसा रेज किया है, तो हायरिंग ये करेंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, इनकी साइट ऐप वगैरह को विजिट करो और उसमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो कि यार ये साइट बहुत कुछ अच्छा करती है लेकिन ये वाली प्रॉब्लम ये अच्छे से सॉल्व नहीं कर रही है, ये वाली एप्लीकेशन ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं कर रही है। तो हम ना बहुत सारा सॉफ्टवेयर क्या लिखना सीखेंगे, क्रोम एक्सटेंशन लिखना सीखेंगे। क्रोम एक्सटेंशन में क्या होता है, किसी और की वेबसाइट है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रोम एक्सटेंशन का क्या होगा, जैसे अभी मैं चैट जीपीटी की एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, तो जैसे कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे चैट जीपीटी से उस आर्टिकल की समरी ला के दे देता है, ठीक है। और कोई एक्सटेंशन की बात करूँ तो मैं गूगल डिक्शनरी यूज़ करता हूँ, जैसे मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई शब्द दिखाई दिया, मैं शब्द को डबल क्लिक करता हूँ, मुझे वहीं पर मीनिंग दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू हम बहुत आसानी से किसी और की ऐप की कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रोम एक्सटेंशन और सिमिलर चीज़ हम मोबाइल ऐप्स में भी कोशिश करेंगे कुछ सिमिलर करने का, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा वर्क फ्लो बता रहा हूँ अच्छे प्रोजेक्ट को सोचने का, इंक 42 योर स्टोरी इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ को देखा वहाँ कंपनी की फंडिंग हुई है, देखा वो क्या काम करते हैं, देखा इस कंपनी का फाउंडर कौन है, फाउंडर या बिजनेस लीडर्स, फाउंडर्स एंड बिजनेस लीडर्स ऑफ दैट कंपनी, CTO, CMO, जो भी मिल जाए अपने को, हमने बिजनेस लीडर को देखा, ठीक है। साइट को विजिट किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड की, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्रोम एक्सटेंशन लिखी, वीडियो रिकॉर्ड किया, अपना सॉफ्टवेयर कूल क्लीन बनाया, वीडियो रिकॉर्ड किया, ट्विटर पे फाउंडर को भेज दिया कि दिस इज व्हाट आई सॉ इन योर वेब ऐप एंड आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो पॉसिबली यू माइट लाइक इट। सो एट द वेरी लीस्ट, एट द एंड ऑफ इट इन योर रिज्यूमे यू हैव अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व, सो योर रिज्यूमे इज बिकमिंग हेवियर। और अगर किस्मत अच्छी रही, तुमने जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व की, फाउंडर को पसंद आई या बिजनेस लीडर को पसंद आई, यू मे गेट अ इंटरव्यू ऑल्सो। सो दिस इज द हाइपोथेसिस, आई डू नॉट नो वेदर दिस वर्क्स और नॉट, आई एम नॉट श्योर, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट माई वीडियोज एंड पॉसिबली यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर सिमिलर अदर स्टार्टअप्स एंड वी कैन सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। सो हाइपोथेसिस कहती है कि ये चलना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकली तो आइडिया सही लग रहा है बट प्रैक्टिकली कई बार सेम नहीं होती बातें, तो लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, समरी ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टू एड हेफ्ट टू योर रिज्यूमे, टू मेक योर रिज्यूमे इज रेलेवेंट। प्रोजेक्ट कौन से बनाए जाए, विच प्रोजेक्ट्स, मैं आपको उसका वर्कफ्लो बताऊंगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं। अभी अभी वर्कफ्लो बताया था, फंडिंग हुई है, फाउंडर ढूंढा, ऐप ढूंढी, देखा क्या करते हैं, विजिट किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, क्रोम एक्सटेंशन लिखा, वीडियो रिकॉर्ड किया, फाउंडर को भेजा। तो
रेलेवेंट प्रोजेक्ट इस तरह से हम चूज करेंगे, ठीक है, और कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इट. सो विल वी लर्न एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट द नेसेसरी बिट्स. सो जिसको मैं बोलता हूँ क्रिएट टू लर्न, बिल्ड टू लर्न, बिल्ड टू लर्न. सो ऐसा नहीं है कि लर्न एंड बिल्ड, ना ना, बिल्ड टू लर्न. बनाओगे तो आएगा, ऐसा नहीं है कि सीखेंगे तो बनाएंगे, वैसा नहीं है, ठीक है. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा. तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स इकट्ठे होते रहेंगे, आप सिमिलर आइडियाज को एक्सप्लोर करके अपने रिज्यूमे में हेफ्ट ऐड कर सकते हो. तो दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी वुड बी सॉल्विंग विद दिस चैनल. नाउ टाइप ऑफ कॉन्टेंट, किस प्रकार का कॉन्टेंट मैं यहां डालना चाहता हूं मेजरली. तो मैंने 5 कैटेगरी आइडेंटिफाई की है. फर्स्ट इज ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है. सेकेंड भी सिमिलर है, जैसे बच्चों को ना, नई बच्चों को या बच्चे, नॉट नेसेसरली बच्चे, पीपल वर्किंग ओवर समवेयर, तो उनको किसी नई टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट होता ना, गेटिंग स्टार्टेड में बड़े फंसते हैं. जैसे मैं तो जावा का डेवलपर हूँ, मैं .NET पे कैसे लिखूँ? आई जस्ट डू नॉट लाइक दिस स्टेटमेंट, बट ट्राई टू थिंक ऑफ इट, नो दिस इज हार्मफुल फॉर यू. सो मैं तो जावा का हूँ, मैं .NET में नहीं लिख सकता, मैं तो जावा का हूँ, मैं तो पाइथन में नहीं लिख सकता, मैं तो जावा का हूँ, मैं डेल्फी में नहीं लिख सकता. दिस इज अ वेरी हार्मफुल स्टेटमेंट फॉर योर करियर. तुम डेवलपर हो भैया, मेन काम है जल्दी से चीज सीखना और बनाना, ठीक है. तो ये गेटिंग स्टार्टेड का भी एक वर्कफ्लो आइडेंटिफाई करके दूंगा तुमको कि कैसे जावा का डेवलपर .NET से घबराए नहीं, कैसे .NET का डेवलपर पाइथन से घबराए नहीं. तो इट इज ऑल दीज लैंग्वेजेस आर सो सिमिलर. जावा और C# में 2 पैसे का डिफरेंस नहीं है, इवन C++ इज सो सिमिलर. सो मैं उसका वर्कफ्लो आपको बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से एक नई लैंग्वेज को सीख सकते हो. मतलब बेसिकली ना, टोटल 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, 20 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. एक में फॉर लूप हो, एक में इफ एल्स हो, एक में कंपैरेटर आ जाए, एक में हैश मैप आ जाए उस लैंग्वेज का, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट कुछ स्क्रेप कर लो तो आपको नेटवर्किंग की API पता लग जाएंगी, छोटी सी वेब ऐप बना लो, राउटर बनाने आ जाएंगे, कंट्रोलर बनाना आ जाएगा, तो आप उस नई टेक्नोलॉजी से वाकफियत हो जाती है. टोटल 20 छोटे छोटे क्वेश्चन स्लैश प्रोजेक्ट आपको करने होते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल 24 to 48 आवर्स एक्टिविटी होती है. तो उसके अंदर 24 to 48 आवर्स एक्टिविटी के अंदर आप उस नई टेक्नोलॉजी पे हैंड्स ऑन हो जाते हो. मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो, हैंड्स ऑन हो जाते हो. और शुरुआत में हैंड्स ऑन ही होना होता है, एक्सपर्ट होने में थोड़ी देरी लगती है. तो पहली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स. पहली टाइप ऑफ कॉन्टेंट प्रोजेक्ट्स होगा. सेकंड टाइप ऑफ कॉन्टेंट होगा गेटिंग स्टार्टेड. सो गेटिंग स्टार्टेड विद जावा स्प्रिंग बूट, गेटिंग स्टार्टेड विद .NET MVC, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जेंगो, गेटिंग स्टार्टेड विद रूबी ऑन द रेल्स, गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट, गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, गेटिंग स्टार्टेड विद मटेरियलाइज, टेलविंड, CSS, व्हाटएवर, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है. जल्दी से मैं आपको ये बताऊंगा कि 24 से 48 घंटे में इस नई लैंग्वेज पर हाथ पीले कैसे करें, ठीक है. फॉर आई कुड नॉट थिंक ऑफ अ बेटर वर्ड हियर. तीसरी प्रॉब्लम गेटिंग स्टार्टेड के बाद है इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है. हैक सा ही है, जैसे कि भैया मैं तो जावा वाला हूँ, मेरे को .NET की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर मैं इंटरव्यू दे नहीं सकता. मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं दे सकता मेरे भाई? तू उस पर गेटिंग स्टार्टेड कर, तू मेजर इंटरव्यू क्वेश्चंस कर. अगर तेरी बाकी प्रोफाइल अच्छी है ना, बाकी प्रोफाइल अच्छी है, तूने गेटिंग स्टार्टेड कर लिया है उस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे कि तू जावा का बंदा था, .NET का इंटरव्यू आया है, गेटिंग स्टार्टेड कर ले और इंटरव्यू क्वेश्चंस कर ले. 24 से 48 घंटे गेटिंग स्टार्टेड में लगेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी 24 से 48 घंटे लगेंगे. 4 दिन में तुम नई टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, प्रोवाइडेड तुम्हारे प्रोजेक्ट सॉर्टेड थे. प्रोजेक्ट तुमने विभिन्न टेक्नोलॉजीज पर बनाए हैं, जिस कभी भी नई प्रॉब्लम आती तुम उसको सॉल्व करके भेज देते. तो अगर तुमने प्रोजेक्ट अच्छे बना रखे हैं ना, तो किसी और टेक्नोलॉजी का भी इंटरव्यू होता है, वो घबराने की जरूरत नहीं. आप इंटरव्यू को समझा सकते हो कि भाई मैं तो जेनरिक हूँ, मैं तो जेनरिक डेवलपर हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हूँ, जिसका मतलब ये है कि फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं बना लेता हूँ, मतलब मैं जल्दी से सीख जाता हूँ, 4-5 दिनों के अंदर मैं किसी भी नई टेक्नोलॉजी पे काम करने लायक हो जाता हूँ. और देखो मेरे प्रोजेक्ट्स की प्रोफाइल देखो, मैंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है. ये तीसरी तरह का कंटेंट होगा. सो सब जुड़ा जुड़ा सा है, पहले प्रोजेक्ट्स, फिर गेटिंग स्टार्टेड, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो भी अलग अलग, जैसे रिएक्ट के 50 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट के 50 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, सो एंड सो फोर्थ, जावा के, .NET के, SQL के, सो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो गेटिंग स्टार्टेड कर लिया, इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिया, इंटरव्यू ले तैयार. अब चौथी चीज जो यहाँ पे सॉल्व करना चाहूंगा, जो मैंने आपको इनिशियल स्टाइल बताया था अपना, कि भाई हम जैसे हमने इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ के ऊपर या योर स्टोरी के ऊपर पढ़ा कि भाई ये कंपनी फंड हुई है, इनका ये प्रोजेक्ट है, तो वो हमने सॉल्व किया, फाउंडर को वीडियो बना के भेजी, तो इस तरह से शायद कुछ फाउंडर्स के साथ कुछ दोस्ती हो जाएगी, तो रेलेवेंट पीपल. सो अगर उनको अच्छा लगा तो मैं जनरली कोशिश करूँगा उनको YouTube पर अपने साथ लाने की और उनसे उनके बिजनेस के बारे में गहराई से समझने की और ये समझने की कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं.
तो प्रॉब्लम अपने को समझ में आएंगे ना, तो अपने ये पता लगेगा प्रोजेक्ट क्या बनाना है एंड दे आर वाइज पीपल, सो टू लिसन टू देम इज ऑलवेज आई थिंक इज बेनिफिशियल फॉर एवरी वन. सो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई वुड ट्राई टू एक्सप्लोर. आई डो नॉट नो वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, अगेन थियोरेटिकली इट सीम्स पॉसिबल, हाइपोथेसिस तो बढ़िया लग रही है, लेट्स ट्राई इट आउट. ठीक, तो ये लर्निंग का भी अच्छा तरीका होता है, लेट्स ट्राई इट आउट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. तो पांचवी तरह कॉन्टेंट रहेगा वो जॉब लिस्टिंग्स, जैसे जैसे इन फाउंडर से बात करी तो ये भी तो पता लग गया ना कि यहाँ पर कुछ जॉब्स किस टाइप की जॉब सिस्टम में निकली हुई हैं, किस तरह का बंदा उसके लिए चाहिए. सो इफ यू गेट टू नो अबाउट इट, सो आई वुड पोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग ऑल्सो. या कहीं पता लग रहा है कि रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू दिया है, किस तरह के इंटरव्यू वहाँ पर हुए हैं, तो दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो ये पाँच तरह का कॉन्टेंट मैं यहाँ डालने की कोशिश करूँगा. सो पाँच तरह का कॉन्टेंट है, प्रोजेक्ट्स, गेटिंग स्टार्टेड, इंटरव्यू क्वेश्चंस, पॉडकास्ट्स एंड जॉब्स, पॉडकास्ट विद फाउंडर्स एंड बिजनेस लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनीज. ठीक है, ये रहेगा टाइप ऑफ कॉन्टेंट. तो पहला अपकमिंग कॉन्टेंट, अपकमिंग कॉन्टेंट, पहला कॉन्टेंट मैं आपको क्या देने वाला हूँ, तो और कब के करीब ये कॉन्टेंट आएगा. तो आज जैसे ट्यूजडे है तो एक्सपेक्ट बाई थर्सडे, थर्सडे को मैं पहली वीडियो डालूंगा 19 अक्टूबर को, पहली रियल वीडियो. फिर आप कोशिश कर सकते हो, शायद संडे को भी उम्मीद रख सकते हो, हाँ जो भी तारीख है मुझे मालूम नहीं है. तो क्रोम एक्सटेंशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं. वाई बिकॉज देखो किसी और का सॉफ्टवेयर होता है जनरली, किसी की वेबसाइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो क्रोम एक्सटेंशन इज अ ग्रेट वे ऑफ सॉल्विंग दैट. सो दिस इज व्हाट आई वुड बी स्टार्टिंग विद. ठीक है, और पहली क्रोम एक्सटेंशन में अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे ना जैसे मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ तो बड़ा आलसी हूँ, ऐसे मैं बेड पे लेट के पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे कई बार पता क्या करना होता है, मुझे बटन दबाने का भी मन नहीं करता मेरा, ऐसे बात करने का मन करता है, ओके क्रोम शो मी द लिस्ट ऑफ पीपल इन दिस आर्टिकल, और मैं चाहता हूँ एक पॉपअप लिस्ट ऑफ पीपल आ जाए. फिर मैं कहूँ ओके क्रोम शो मी द लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन दिस आर्टिकल, शो मी दोज प्लेसेस ऑन द गूगल मैप. मैं बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ क्रोम के ऊपर, पॉपअप के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए उस आर्टिकल के बारे में. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्रोम एक्सटेंशन दैट आई वुड वांट टू मेक. मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कैसे, जैसे मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे कुछ दबाना ना पड़े, मैं ऐसे सर के भी जहाँ तक ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ ओके जारविस, लेट से वी वुड कॉल आवर क्रोम एक्सटेंशन जारविस, ओके जारविस शो मी द लिस्ट ऑफ पीपल इन दिस आर्टिकल, एक पॉपअप खुल जाए उस पर लिस्ट ऑफ पीपल हो. फिर मैं बोलूँ ओके जारविस शो मी द लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन दिस आर्टिकल, मुझे लिस्ट ऑफ प्लेसेस मिल जाए. फिर मैं कहूँगी शो मी फर्स्ट प्लेस ऑन द गूगल मैप, यहीं पे छोटा सा गूगल मैप दिख जाए, मुझे वो लोकेशन दिख जाए. तो इससे ना जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, कंपनीज के बारे में, मैं ये भी कह सकता हूँ शो मी द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन दिस आर्टिकल. फिर मैं कह सकता हूँ शो मी द वेबसाइट ऑफ दैट आर्टिकल, दैट कंपनी, और व्हाट डू दे डू. सो आई वॉन्ट टू स्पीक एंड गैदर मोर नॉलेज अराउंड दैट आर्टिकल, वट एवर आई एम रीडिंग. So a Chrome extension that listens to me and shows me information on a pop-up. And when I say dismiss, so it gets dismissed. So this is the first Chrome extension that I want to write. So पहले तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं इसे अभी थर्सडे तक लिख पाऊँ, थर्सडे तक संडे तक, तो पीस बाय पीस लिखेंगे, जितना छोटा छोटा लिख लिया होगा मैं उतना आपको शेयर करता रहूँगा. तो ओवर अ फ्यू लेट अस से डेज, इन अ कपल ऑफ वीक्स दिस एक्सटेंशन शुड बी रेडी एंड देन आई वुड स्टार्ट on that workflow that I've just discussed. ठीक है, तो आपसे मेरी क्या दरख्वास्त रहेगी, जनरली क्या होता है, जैसे ना मेरा कॉन्टेंट, माई कॉन्टेंट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेटी लुकिंग, गुड लुकिंग, आई एम नॉट द गाय हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग गुड लुकिंग थिंग्स, बट आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग यूजफुल थिंग्स, आई थिंक सो. सो माई रिक्वेस्ट टू यू, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अराउंड, दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. So just saying this in red, like it, subscribe it and share it, let the people know and hopefully we would create good information. So ek bar thoda sa traction aane lagega, aap log involve hone lagoge community mein, to main hackathons bhi karunga. Hackathons kis tarah ke, ki jaise koi problem maine identify kari hai aur wo problem solve karni hai, main us pe apna attempt lunga aur aap logon se bhi attempt mangwaunga. To that makes it more us, me and you, more relevant to the founder of the company, कि इतने सारे options हैं मेरे पास, इन लोगों ने मेरी problem को solve किया है, maybe these are relevant people. So this makes us more useful for the community. So for the stakeholders in the company. So love all. All right. So do like, share and subscribe the channel. This is the first video. I hope you have an idea what the channel is going to contain. And I'm glad to be back to content creation. So I'm back to content creation after like 3 years. So in the last year of my coding and for the last 2 years, I have really not been into content creation. This is the thing that I love most. All right, bye.